लोगों को धर्म संस्कृति से जोड़ने और नशे से दूर करने, इसके अलावा कुप्रथाओं खेती के प्रति जागरूक करने के लिए एक परिवार के द्वारा करीब 200 साल पहले मिट्टी की पुतलियों को बनाकर उनके माध्यम से झांकी सजाई जाती थी और लोगों को जागरूक किया जाता था। करीब 206 साल पहले शुरू की गई परंपरा आज भी जारी है। खास बात यह है कि उन पुतलियों को, यानी कि मिट्टी की मूर्तियों को, जो 200 साल पहले बनाया गया था, वह आज भी ज्यों की त्यों संरक्षित हैं। उनके परिवार के द्वारा पूर्वजों की याद में इस मेले को आज भी जीवंत रखा गया है। बता दें कि सागर जिले के रहली के तहत आने वाली काची पिपरिया में दुर्गा प्रसाद पांडे के द्वारा यह परंपरा शुरू की गई थी, जो आज भी जारी है। यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियों में ऋषि मुनियों की तपस्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण की मूर्तियाँ, रामायण के कुछ चित्रण सहित अन्य तरह की जो है यहाँ पर पोस्टर कला भी देखने को मिलती है। बता दें कि पांडे परिवार की चौथी पीढ़ी के द्वारा आज भी यह मेला अनवरत जारी है। यह 2 दिवसीय मेला भाद्रपद की पूर्णिमा को लगता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से ग्रामीण जाते हैं। यहाँ पर खेती करने से लेकर जो कुप्रथाएं हैं उनको भी प्रदर्शन किया जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता आए और इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं उनको समझ सकें, उनको उनसे दूर हो सकें और जिन लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं उनका बचाव हो सके। देखिए क्या कह रहे हैं जो मेला देखने वाले लोग यहाँ पर पहुँचे। आज पुतलियों का मेला देखने आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या मेला है और कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। यहाँ अभी आगे हमें पता चला 206 वर्ष पुरानी परंपरा है और हमारा जो यहाँ पांडे परिवार है, श्री जगदीश प्रसाद जी पांडे, उनके पूर्वजों के द्वारा प्रारंभ की गई ये परंपरा और उन्हीं के द्वारा यह परंपरा अभी तक जीवित रखी है उनने, और जैसा उसका स्वरूप था पहले वैसा ही उनने अभी तक बना के रखा है। बहुत अच्छा लगा और हमारी प्राचीन जो ग्रामीण संस्कृति है उसका दर्शन यहाँ पर करने को मिला और यहाँ ग्रामीणों में बहुत उत्साह भी इस मेले की वृद्धि हमने देखने को मिला।